Students, good morning. In today's videos, we discuss about the topic, last topic of the third chapter, plastics and the environment. Nowadays, disposal of plastic is a major problem. आज के समय में plastic का disposal एक major problem बन गया है, सबसे difficult problem बन गया. According to the types of waste, waste is of two type, biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste is a material which gets decomposed through natural process, adsorption by bacteria. ऐसे material, ऐसे waste जो कि natural process जैसे कि action of bacteria से जो decompose हो जाए, that waste is known as biodegradable. Non-biodegradable, a material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. ऐसे waste जो कि biological means यानी कि bacteria और fungi जिसको डिकम्पोज नहीं कर पाते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. जैसा कि नीचे के डायग्राम में दिखाया गया है, प्लास्टिक. प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, तो इतना हम लोग जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है हमारे डेली लाइफ पर, उसका क्या इन्वायरमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट. लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन ओपन स्पेसेस क्रिएट्स अनहाइजेनिक कंडीशंस एज इट एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड for insect and mosquitoes that cause disease like malaria and dengue. जितने हम लोग जो प्लास्टिक को इधर उधर ओपन सर्फेस पर फेंक देते हैं, लिटर कर देते हैं, उससे अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट होता है. प्लास्टिक्स का इधर उधर इन्वायरमेंट में जहाँ तहाँ फेंक देना, उससे अनहाइजेनिक कंडीशन पैदा होती है, जिससे कि ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करता है किस चीज़ के लिए, तो इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज के लिए, दैट काउज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, जिससे जिसके वजह से डिजीज जैसे कि मलेरिया और डेंगू नाम डेंगू जैसे भयानक डिजीज होते हैं वो ब्रीड करते हैं, वो पैदा लेते हैं उस इंसेक्ट की वजह से और उस मॉस्किटोज की वजह से. प्लास्टिक्स डू नॉट अंडर गो डिग्रेडेशन, क्योंकि प्लास्टिक्स का कभी डिग्रेडेशन नहीं होता है, वो कभी सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, दस दे स्टे इन द सॉइल फॉर मेनी ईयर्स, इसलिए वो लंबे समय तक सॉइल में बना रहता है. विच अफेक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड डिग्रेड्स द सॉइल क्वालिटी, जिसके वजह से वो सॉइल के फर्टिलिटी रेट को और सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड्स करता है, यानी कि लॉस करता है, रिड्यूस करता है. When plastic artifacts enter the drainage and sewage system, they block the pipes and the drains, causing waterlogging. Which even plastic drainage system, यानी कि नदी नाली में पहुंचते हैं, properly drainage system food block कर देते हैं, plastics के बने और जिससे क्या था, जब इनको animals खाते हैं, नहीं stomach में और intestine में ऐसी बहुत सारी इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं, जिसके वजह से उसका सफोकेशन एंड डेथ भी हो जाती है. द वेस्ट फ्रॉम द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, दस अफेक्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कॉजिंग हजार्ड्स ऑन ए वेरी लार्ज स्केल. जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से जो निकलता है वेस्ट, वो डायरेक्टली थ्रोन यदि वाटर बॉडीज में जाता है, डायरेक्टली उसको वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है, तो उसके वाटर की क्वालिटी भी उससे घट जाती है, जिसे कॉजिंग हजार्ड्स ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर नुकसान होती है. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो इस प्लास्टिक से होने वाले इस पॉल्यूशन को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे. देयर आर प्राइमरीली फोर वेज ऑफ मैनेजिंग द प्लास्टिक्स, जो चार मेन बेसिस है प्लास्टिक को क्लासीफाई करने का, वो है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवर. रिड्यूस क्या होता है, वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड कैरी जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स टू कैरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट. हम लोगों को कम से कम किसी भी प्लास्टिक मार्केट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादातर कैरी जो बैग हम लोग शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, वो जूट बैग्स या पेपर बैग्स को ले जाना चाहिए, जैसा नीचे के डायग्राम में दिया गया है. जो पेपर से बने आर्टिकल्स हैं, पेपर से बने जो पैकेट्स हैं, जो बैग्स हैं, उनको यूज करना चाहिए. रीयूज, रीयूज मीन्स किसी भी चीज़ को दोबारा यूज करना, पुनः यूज करना, बार बार यूज करना. वी कैन यूज डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड जार्स टू स्टोर फूड आइटम्स एंड वाटर. हम लोगों को जो डिस्कार्डेड बॉटल्स है, जो वेस्ट हो गया है, जिसका यूज़ नहीं है, उसको हम लोगों को दोबारा से यूज करना चाहिए. जैसे कि यदि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बॉटल लेते हैं, तो उसमें उसको फेंकने के बजाय उसमें पानी भरकर फ्रीज में उसको डाल देना चाहिए, इससे वो रीयूज हो जाएगा, जैसा नीचे के डायग्राम में दिखाया गया है. जो भी प्लास्टिक बॉटल है, उसको रीयूज करके हम लोग दो
दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, वी कैन गिव द ओल्ड प्लास्टिक चेयर्स एंड जार्स फॉर ए रिसाइकिल एंड सपोर्ट द काउज बाय यूजिंग रिसाइकल्ड आइटम्स। इस तरह से हम लोग कोई भी जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि ओल्ड प्लास्टिक चेयर्स है या फिर जार्स है उसको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं रिसाइकलिंग करके, और रिसाइकलिंग आइटम करके हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे नीचे के डायग्राम में दिया गया है, डिस्कार्डेड प्लास्टिक बींग सेंट फॉर रिसाइकिल। रिकवर, द लास्ट टॉपिक, रिकवर इज टू कन्वर्ट वेस्ट इंटू रिसोर्सेज। जो रिकवर मीन्स होता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग रिसोर्सेज में, अदर रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट एंड फ्यूल थ्रू थर्मल एंड बायोलॉजिकल। रिकवर होने से कोई भी वेस्ट थर्मली और बायोलॉजिकली मीन्स से उसको रिकवर करके हम लोग कोई भी अदर सोर्सेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना, कंपोस्ट एंड फ्यूल को प्रोड्यूस करना। सो रिकवरिंग प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस। इस तरह से हमारा चैप्टर ये फिनिश हुआ, और तो हम लोगों ने इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में के टोटल टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।